देखिए हिंसा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की सूचना हमें मिल रही है। सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई है और अब तक 5 की मौत की सूचना है। 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है और राज्य के इस वक्त 6 जिलों में धारा 144 लागू है। एहतियातन अब तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवालों के घेरे में पुलिस भी है, प्रशासन भी है। आखिर कैसे मुमकिन हुआ ये दंगाई, इस कदर बेखौफ हो गए? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं वहां के प्रशासन को लेकर भी। अब तक 5 की मौत की सूचना है, 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा में जबरदस्त हिंसा हुई, टूल और टूल किट कई थे, कई पत्थर चले, कई लाठी डंडे, कहीं नारेबाजी हुई है। वीडियो वायरल कई तरह के किए गए हैं और ऐसा लगता है कि यह दंगा प्रायोजित और साजिश सुनियोजित था। सुनियोजित साजिश को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा, एक बार जरा वो भी सुनिए आप। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या सामने निकल करके आया है? जी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता इस वक्त। जिस तरीके से ये पूरी की पूरी हिंसा हुई, मैम इसमें क्या लगता है कि सोची समझी साजिश थी किसी की? ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इसमें आगे तथ्यों के अनुसार आगे कोई बात कही जाएगी। कितने लोग अभी तक घायल हुए हैं और कितने लोग मारे गए हैं? 3 की डेथ की खबर है हमारे पास में, कन्फर्म्ड है 3 डेथ है, 2 पुलिस वाले, 1 सिविलियन है और 47 हमारे पास एमएलआर अभी तक आई हुई है। एफआईआर कितनी हो चुकी है अभी इस वक्त? एग्जैक्ट डिटेल मेरे पास नहीं है, 16 के करीब सुबह हो चुकी थी, बाकी अभी प्रक्रिया चल रही है। तो ये थी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि 16 के करीब एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुकी है और आरोपियों की जो तलाश है वो लगातार की जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज नू। सीधे में मनोज वर्मा के पास आपको लिए चलता हूं। मनोज, आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने जो बातें कही वो तो हम सुन रहे हैं, लेकिन आप मौके पर मौजूद हैं, क्या हालात हैं अभी, क्या स्थिति है? अखिलेश, मैं मौके पर मौजूद हूं। अगर मैं अभी की स्थिति की बात करूं तो स्थिति तनावपूर्ण जरूर बनी हुई है, लेकिन शांति अभी बरकरार है और जिस तरीके से पूरी हिंसा हुई है कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। पत्थर चले, डंडे चले, इसके अलावा आगजनी की गई, तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है, जो मेरी यहाँ के लोगों से बातचीत हुई या मेरे सूत्रों से बातचीत हुई, ये देखकर जरूर लगता है कि ये जो हिंसा थी वो एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी, क्योंकि जब यात्रा चली थी तब बिल्कुल ठीक चली थी और जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंची है उसके बाद पथराव वहां पर शुरू हो गया और पथराव होने के बाद फिर दंगाई बहुत ज्यादा भड़क गई और पूरे जो नूह का इलाका है उसको अपनी चपेट में ले लिया। तो कहीं ना कहीं जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे होगी उसमें चीजें निकल करके सामने आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। बिल्कुल सही मतलब आप कह रहे हैं और यहीं से मेरा सवाल राकेश जी आपसे है, जो कुछ हमने देखा, जो तस्वीरें हमने देखी उसमें जो ये दंगाई है वो तो दिख ही रहे गुनहगार, उनका तो इलाज होना ही चाहिए, लेकिन पुलिस और प्रशासन को लेकर गंभीर सवाल क्यों ना खड़े हो? सिर्फ नूह पे ही नहीं, आप पिछले साल का रामनवमी का देखिए तो 6 राज्यों में इसी तरह का उपद्रव हो चुका है जब धार्मिक यात्रा निकली थी। हमें लगता है हर जगह के प्रशासन की अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं, उत्तर प्रदेश का प्रशासन अलग तरीके से काम करता है तो बिहार का प्रशासन अलग तरीके से काम करता है, हरियाणा अलग तरीके से काम करता है और दिल्ली का अलग तरीके से काम करता है। तो जहां का मुखिया जिस तरीके का होगा वहां का प्रशासन उस तरह से काम करता है, इसलिए कोई बेहतर नतीजे की उम्मीद हम नूह को लेकर नहीं लगा सकते। अब देखिए, अगर पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो कैसे शोभा यात्रा पर अटैक होता है वो आप देखिए, कैसे गाड़ियां जला दी जाती हैं और कैसे थाने का घेराव किया जाता है, पत्थरबाजी हुई, आगजनी की घटना हुई, ऐसा लगेगा आपको कि सब कुछ साजिशन किया गया, सब सुनियोजित है, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन, एजेंसियां, सरकार आखिर क्या कर रही थी, क्यों आखिर इस तरह की घटना घटती रही और पुलिस और प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? अगर ये साजिशन सब कुछ हुआ तो जो खुफिया जानकारी मिलनी चाहिए, जो सरकार तक जानकारी आनी चाहिए या प्रशासन में बैठे लोगों तक, क्या वो जानकारी नहीं पहुंची? कौन है इसके आखिर गुनाहगार? आजातिका के पास में सीधे आपको लिए चलता हूं। आजातिका, अब तक की जांच में और क्या बातें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए सुबह के वक्त जो जानकारी हमें मिली कि सोमवार की सुबह को जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही थी, उस शोभा यात्रा के निकालने के करीबन 500 मीटर बाद ही कई सारे उपद्रवी उसको घेर लेते हैं, वहां पे डंडे बरसाए जाते हैं, आगजनी कर दी जाती है, उसके बाद ये जो सिलसिला है वो शाम तक पहुँचता है सोहना तक। सोहना में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जहाँ उपद्रवी उपद्रव मचाते हैं, पथराव होता है, गोलियां तक चलाई जाती हैं। ये सिलसिला यहीं पर थमता नहीं है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं अखिलेश उस मस्जिद की तस्वीर जहां बीते दिन रात करीबन 12 बजे आगजनी की घटना सामने आई। ये गुरुग्राम का सेक्टर 57 है और ये अंजुमन जामा मस्जिद है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है। आसपास आपको जो अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में हरे रंग के कर्टन्स होते हैं
वो भी दिखाई देंगे। यहाँ पर कोई रहता नहीं है अमूमन, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के निज़ाम है वो ज़रूर रहते हैं और उनकी इस मामले में बीते दिन मृत्यु हो गई। इसी के साथ में दो लोग घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही बनता है कि पहले नूह, उसके बाद सोहना और फिर अब सवाल मुकेश जी, आप भी पढ़ पा रहे होंगे खबरों को, जब देख रहे हैं चीजों की स्थितियों को समझ पा रहे होंगे, क्या कोई पैटर्न नजर आता है आपको? ठीक है, जाती का आता हूं आपके पास। हाँ मुकेश जी, पैटर्न देखने के बजाय मैं इसमें एसओपी की फेलियर देख रहा हूँ। शोभा यात्रा जब आयोजित होती है तो पुलिस का एक सामान्य से ड्रिल होती है कि उसके पूरे यात्रा के रास्ते को आपने किस हद तक सैनिटाइज किया है, नहीं उनके घर आसपास के घरों में छतों पर कहीं असला, कोई लाठी, कोई डंडा, कोई पेट्रोल बम, ये तो कहीं जमा नहीं है। और अगर उसके बावजूद ये हिंसा हुई है तो कहीं ना कहीं एसओपी का उल्लंघन होता दिख रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।